बंद करो, बंद करो, यूथ पॉलिसी बंद करो, बंद करो, बंद करो, सेंट्रल बोर्ड बंद करो, बंद करो, बंद करो, यूथ पॉलिसी बंद करो, बंद करो, बंद करो, जय डुग्गर। किराना दुकानों पे बियर बार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आउटसाइडर बोर्ड बंद करो, बंद करो, बंद करो। आउटसाइडर बोर्ड बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बताएंगे क्या इशू लेकर आप जो सड़कों पर उतरी है डोगरा पार्टी। अज अस प्रदर्शन कराने डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी दे जड़े साथी न कि इन्हें गौरमेंट ने जड़ा एक नवा कानून पुठे कानून जड़े न जड़े सिर्फ जम्मू पर लागू हो रहे हैं, कश्मीर पर कोई लागू नहीं हो रहा। और इन्हे खिलाफ इदी मजम्मत आस्ते अस अज एक छोटा जिहा प्रदर्शन अस अज कीता है। इदे बाद इदे कोला बड़े प्रदर्शन जड़े न वो देखने की मिलेंगे। और इदे आस्ते अस आगाह कर देना चाहते हैं एल जी साहब की कि ये जड़े पुठे कानून जड़े तुस इतने जम्मू के बिच लागू करा दो और छोट अपनी जड़े डिपार्टमेंटल स्टोरें के उपर भी तुसें जड़ी बीयर जड़ी है वो बेचने का जड़ा आर्डर करी दिता। ये जड़ा आर्डर है ये क्या तुस कश्मीर च भी करा दो? क्या ये कानून कश्मीर च भी लागू आ देन? कश्मीर च तो तुसें उत्थे हथ खड़े करी ओड़े न। कश्मीर च उत्थे जड़े लोग उत्थे नौकरियां छड्डी आए दे न उनेंगी तुस उंदी ब्हाली नहीं करा दे। कश्मीर च जड़े लोग जड़े कश्मीरी पंडित अज 30 साल होई गए उनेंगी इत्थे दर बदर ठोकना खंदे उंदी तुस ब्हाली नहीं करा दे। और कश्मीर च जड़े लोग कारोबार करन गए हे वो सारे नठिया जम्मू आई गए न। क्या तुस जम्मू की बर्बाद कर देना चाहते हो? अगे जड़ा नशा हा इत्थे जम्मू दे विच वो क्या घाटा हा? ते हुण तुसें दुकानें दे उपर शुरू करी दिता है। मेरी एक गुजारिश है एल जी साहब की कि अगर तुसें उदे उपर निशान ला दा है अपना अपना जड़ा झोला जड़ा है उदे उपर मोदी साहब का निशान ला दा कि मोदी साहब का फोटो हा ते उन्हें अस फ्री राशन देने आ। क्या तुस ये जड़ी बीयर बार तुसें ओपन की है क्या हर बोतल के उपर उंदा मोदी साहब का फोटो लग गया? मैं पूछना चाहना ये शेम है इनकी। एल जी साहब के अपने इस गल की गौर करना सोचना और जरा कानून जरा इन्हें लागू किया है इसी ये वापस करना और जड़े जड़े कि बाहर के वोट इतने बना देन ये अस आउटसाइडर का वोट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर गए। और उनेंगी जड़े भी मुलाजम ये लगे दे डिपार्टमेंट की भी अस आगाह करने कि ये खबरदार जिदा भी कोई वोट बनता है उदा पहले सरेंडर सर्टिफिकेट होंदा है उत्थों दा जिथे उदा वोट बने दा उदा सरेंडर सर्टिफिकेट लगता फिर ही वोट बनता। इं अगर तुसें वोट बनाए तो यह तुसें जम्मू कन्नै एक धोखा करा दे हो, जम्मू कन्नै एक बेइंसाफी करा दे हो, जम्मू के लोगों कन्नै, जम्मू के युवाएं कन्नै, जम्मू के हर वशर कन्नै, हर डोगरे कन्नै तुसें धोखा करा दे हो। उनेंगी बिल्कुल यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसी चीज़ की बिल्कुल मैं आखना चाहना कि इसी सख्ती कन्नै जड़ा है इसी कानून की वापस लिता जा। और सारे की जड़े सारी पार्टियां चाहे वो इे पार्टी है बीजेपी जड़ी आखदी ही कि अस नशा मुक्त भारत करगे। क्या यह नशा मुक्त होआ दा कि या नशा युक्त होआ दा है? मैं पूछना चाहना इन्हें लोगों की जड़े दो मूहें लोग है जड़े बोलते कुछ है करा दे कुछ न और उनेंगी अस आगाह कर देना चाहते हैं कि इसे खिलाफ लामबंद हो जाओ सारे नहीं तो आने वाला टाइम जड़ा है ये बड़ा खतरनाक होगा। स्वाभिमान संगठन के संस्थापक चौधरी लाल सिंह जी जब से डोगरा स्वाभिमान संगठन बना है वो तो लोगों के घर जाके जाकर लोगों को समझा रहे हैं
कि ये जो सरकार है ये लोगों के हित के खिलाफ सरकार है। कोई भी फैसला मुझे आप बता दो, कोई भी फैसला जो इस सरकार ने लिया हो, मुझे नहीं लगता कि लोगों के हित में कोई फैसला। आज किसी ने सोचा था कि दूध पनीर दही इस पे भी टैक्स कभी लगा? राजा महाराजा के टाइम में लगा, लेकिन अच्छे दिन आ रहे हैं ना। ये मोदी साहब के बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं, कहते थे अच्छे दिन आएंगे, कहाँ के वो वादे 2014 वाले कि 2 लाख नौकरियां मिल गई? नहीं ना मिली। 15-15 लाख रुपया जो लोगों के खाते में डालना था वो मिल गया? नहीं ना मिला। सरकार बनानी है, लोगों को बेवकूफ बनाना है। कैसे बनाना है? पहले जब ये बोलते थे कि कश्मीरियों का राज है, कश्मीरियों की डोमिनेशन है, जम्मू वाले कुछ नहीं मिलता जम्मू वालों को, अब तो इनकी सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, अब क्या मिल रहा है? गौ माता की जय बोलते हैं, गौ माता की जय बोलते हैं, जहाँ से हो जाओ मुखर्जी चौक से शुरू काली बड़ी तक देखो, गंद खा रही हैं गौवें। सिर्फ क्या फोटो खिंचाना है और मीडिया में देना है। आज 370 तोड़ के हम लोग भी खुश हुए थे कि 370 टूटी है तो हमारे लोगों का, कश्मीरियों से निजात मिलेगी। कश्मीरियों के काम हो रहे हैं, उधर डेवलपमेंट भी हो रही है, नौकरी भी मिल रही है, लेकिन जम्मू के लोगों को लताड़ रहे हैं, कुचल रहे हैं जम्मू के लोगों को। आज मुझे बताओ, आप मीडिया वाले तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, कितनी भीड़ बार खोली है ना इन्होंने कश्मीर में, कितनी बारें खोली हैं, कितनी वाइन शॉपें खोली हैं? एक नहीं खुली, जम्मू में खोलो। आगे क्या होता था लोगों को नुमाइंदे के, जैसे मैं काउंसलर हूँ, हमारी NOC चलती थी, इन्होंने NOC काट के DC को पावर दे दी है, आप NOC दे दो शराब की दुकान खोलने की। नए नए बोर्ड बन रहे हैं, जमीने धड़ाधड़ जम्मू के लोगों को, 5 लाख की नौजवानों को 5 लाख रुपये कनाल, और जो आउटसाइडर आ रहे हैं उनको 2.5 लाख रुपया कनाल। अच्छे दिन आ रहे हैं जम्मू के लोगों के लिए। कितना बड़ा खतरा देखते हैं कितना बड़ा खतरा देखते हैं आने वाले दिनों? मैं कह रहा हूँ कि ये इतना बड़ा खतरा आज जो आदमी भी बोलता है, जो बंदा भी इनके खिलाफ बोलता है, उसको उठा के या तो ED लगा देते हैं या उसको जेल में बंद कर देते हैं। बाबू सिंह का नहीं देखा आपने? 6 महीने से उसका पता नहीं चल रहा है। उसने तो यही बोला था कि जम्मू के लोगों को बैठाओ, कश्मीर के लोगों को बैठाओ, पाकिस्तान के लोगों का जम्मू का मसला हल करो। क्या बोला था उसने? कौन सा मिलिटेंट साहब हो? लेकिन अंदर ठोक दिया, डरा के रखे हैं जितने भी लीडर हैं। पंजाब वाले, पंजाब की सरकार रो रही है, केजरीवाल की सरकार रो रही है, शिवसेना की सरकार रो रही है, जो भी अपोजिशन की सरकारें हैं उनको मलिया मेट कर रहे हैं, पैसे के जोर पर, ED के जोर पर, CBI के जोर पर, जो भी इनका हरबा चलता है उस हरबे से कर रहे हैं। अब यह नया ट्रेंड चला था, हमारी ज़मीनें जो गरीब लोग 2 कनाल 4 कनाल 5 कनाल ज़मीन, आप आदमी ने पैसे इकट्ठे कर करके 4 कनाल ज़मीन बनाई, गरदौरियाँ काट दी, सरकारी बना दी, दिल्ली के लोग आ रहे हैं उनको ज़मीनें दे रहे हैं, आज बोर्ड बना रहे हैं। जब 370 जब मुसलमानों की सरकार थी, मैं तो यही कहूँगा, ये बोलते ना हिंदुओं की सरकार आई है, जब मुसलमानों की सरकार थी तो कोई भी आउटसाइडर हमारी ज़मीन नहीं खरीद सकता था, कोई भी आउटसाइडर हमारी नौकरी नहीं ले सकता है। आज बाहर के लोगों के बोर्ड बन रहे हैं, हमारे लोग कहाँ जाएंगे? आगे गरीबी है, आगे भुखमरी है, आगे बेरोजगारी है, बाहर से लोग आ जाएंगे तो हमारे नौजवान कहाँ जाएंगे? डोगरा स्वाभिमान संगठन कहता है, चौधरी लाल सिंह कहता है, आज हर आदमी को, हर बशर को, हर बुजुर्ग को, हर बच्चे को, हर नौजवान को, हर माता को, हर बहन को
इकट्ठा होना पड़ेगा और इनके खिलाफ जद्दोजहद करनी पड़ेगी, नहीं तो हमारे लोगों का गुजारा नहीं है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। हमारे माननीय चौधरी लाल सिंह जी दोहरा सभी मार्कर संगठन के स्थापित हैं। हमने उनसे कहा कि हम जैसे ये खबर चल रही है कि जो लोगों को मेडिकल स्टोर किराना स्टोर दिए जाएंगे वहाँ पर बियर वाले अलॉट की जाएंगी, लेकिन ये हमको हर किसी बर्दाश्त नहीं है, इसलिए हम शहीदी चौक से इस आज अपनी रैली का उद्घाटन कर रहे हैं। शुभ राम जहाँ माथा टेक शहीदों को नमन करके माथा का टेक रहे हैं। अगर ये अली साहब ने अपना डिसीजन वापस नहीं लिया तो ये गली गली में, मोहल्लों में, पंचायतों में, हर जगह ये प्रोटेस्ट किए जाएंगे। हो सकता है तो हम भूख हड़ताल पर अपने बच्चों के साथ बैठेंगे, क्योंकि हमने तो अपनी जीवनी काट लिया, हमको तो नौकरी नहीं मिली, हम तो हथौड़ी चला के रंधा भाग के जो भी काम करते हैं हम तो अपने गुजारा कर रहे हैं, लेकिन हम अपना गुजारा करके हमारी कोशिश है कि हमारा बच्चा अच्छे स्कूल पढ़े और अच्छे स्कूल में पढ़ाकर उसको कुछ दुकानें सीमित होती है जहाँ पर, जैसे यहाँ शहीदी चौक में दो ठेके हैं, वहाँ पर कोई भी 19-20 साल का लड़का जाएगा उसको 50 लोग देखेंगे कि ये बच्चा शराब लेने आया है, उसको टोकेंगे देखेंगे। लेकिन जब गली गली में किराने की दुकानों पर बीयर बार आ गई तो बीयर से ना तो ड्राइवर होगा ना ही वहाँ पर बंद होगा। अगर वो वहाँ के मालिक से लेना शर्माएगा तो उसको जो बच्चे होंगे मालिक है वो उसके फ्रेंड होंगे, वो उनसे भी ले सकता है। और बीयर से एक चस्का शुरू होगा जो अंत तक शराब से और शमशान घाट में ख़त्म होगा। और डोगरा सभाई मार संगठन जी हर किसी नहीं चाहती, चौधरी लाल सिंह की हम आगे से चल रहे हैं और वो चाहते हैं कि मेरा डोगरा एक एक इकट्ठा हो और अपनी जान लड़ा दे इस फैसले के खिलाफ। ना तो हम होने देंगे और ना ही कभी होगा। जय डुगर, जय डोगरा। हमने इसलिए किया है कि जो LG साहब का ऑर्डर आया है कि जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर है, जो भी डिपार्टमेंटल स्टोर उनकी छोटी मोटी कंडीशनें पूरा करता होगा, वहाँ पे बियर बॉटल में और जो बियर कैन में और जो वोडिका वाइन है वो वहाँ पे खुलेआम सेल कर सकता है, जो कि हमारे समाज के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। और इसके साथ साथ हमारा ये भी प्रोटेस्ट है कि जो आउटसाइडर वोटर है, जिसका कि हम पहले ही लाल सिंह जी की अगुवाही में जे जनता को बता रहे थे कि हम जो 25 लाख आउटसाइडर वोट जो है वो बनाने जा रहे हैं, उसकी प्रक्रिया इन्होंने शुरू कर दी है। चौधरी लाल सिंह जी के साथ डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हम जो पहले ही मुहिम छेड़ चुके हैं। मैं LG साहब से अनुरोध करता हूं कि LG साहब, जे जम्मू सिटी जो था, जे हमारा सिटी ऑफ टेंपल था, देवताओं का शहर था, आप इसको प्लीज़ सिटी ऑफ वाइन मत बनाइए, इसको शराबियों का, नशेड़ियों का शहर मत बनाइए। और जब से LG साहब आप आए हैं तब से नशे में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की हो रही है। मैं LG साहब और LG साहब के प्रशासन को ये वारण करना चाहता हूं कि आप डोगरों के सब्र का इम्तहान मत लो। कश्मीर के हालात आप जम्मू में खुद पैदा करने जा रहे हैं, कश्मीर आपसे संभल नहीं रहा और आप जम्मू को खराब कर रहे हैं। और हम चौधरी लाल सिंह जी की अध्यक्षता के अंदर हम जे प्रोटेस्ट गांव-गांव में लेके जाएंगे, हम जे प्रोटेस्ट हर कस्बे में लेके जाएंगे।